प्रयागराज से बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर उनका निधन हुआ। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी और आज ही उन्हें लखनऊ के SGPGI में भर्ती करवाना पड़ा था। तो आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी विधानसभा में कई बार स्पीकर की भूमिका उन्होंने निभाई है। 88 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ भी थे। 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। और इससे पहले देखिए खबर बीच में यह भी मिली थी, 2 बार वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए थे। हालांकि बाद में उनकी तबियत में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से बीते दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी, तो अब जानकारी मिल रही है कि आज ही उनका निधन हुआ है। और जुलाई 2014 से जुलाई 2019 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया है। बिहार, मेघालय, मिजोरम के राज्यपाल का भी उनके पास प्रभार था और भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य थे और बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कुछ इस तरीके का उनका राजनीतिक करियर था और वरिष्ठ नेता थे। सुबह 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास में उनका निधन हुआ। पिछले काफी दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे केसरीनाथ त्रिपाठी और आज शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लखनऊ के SGPGI में उन्हें अचानक से भर्ती कराना पड़ा उनकी तबियत को देखते हुए। 88 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है और पश्चिम बंगाल के वो राज्यपाल रह चुके थे। 2014 से 2019 तक उन्होंने ये कार्यभार संभाला था और लगातार अपने राजनीतिक करियर की वजह से वो जाने जाते थे, वरिष्ठ नेता थे, गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। सुबह 5 बजे जानकारी मिली है कि उनका निधन हो गया है। तो बिल्कुल 30 दिसंबर को बताया जा रहा है कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत उन्हें हुई और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि स्वास्थ्य में उनके सुधार देखने को मिल रहा था जिसके बाद घर उन्हें लाया गया और आज ही उन्हें लखनऊ के SGPGI में भर्ती करवाना था। और इस खबर पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ये कंटेंट दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है और उन्हें याद किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए दुख जाहिर किया। ये ट्वीट का कंटेंट आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह 5 बजे ही उनका निधन हुआ है। 88 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है। आज शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो काफी लंबा राजनीतिक सफर भी उनका रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने प्रभार संभाला था और इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने कार्यभार संभाल चुके हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।